हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ अलग सा एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉय वॉय कुछ नहीं बनाएंगे, हम लोग करेंगे आज एक काफ़ी यूनिक और काफ़ी अजीब सा फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट देखने के तैयार हो जाइए आप। अच्छा तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ दो नोटबुक के पेपर हैं, मतलब पेजेस हैं, और इन पेजेस को हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसे पकड़ना है और इस तरीके से मोड़ लेना है। और इस तरीके से मोड़ने के बाद ये जो दूसरा वाला पेपर है, इसको हमें क्या करना है, इसके ऊपर इसे अच्छी तरीके से लपेट देना है। तो मैं इसे लपेट देता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नीचे गिर गया था पेपर, तो इसमें निकल के, तो इसे कुछ इस तरीके से अच्छे से रख के और इसके ऊपर लपेट देना है। तो मैं इसे लपेट लेता हूँ फटाफट से पहले। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इस पेपर को मैंने मोड़ दिया काफ़ी अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक पेपर बॉल बन गया है, मतलब ये अभी जंप तो नहीं करेगा फिलहाल, अगर हम लोग इसे अगर ऐसे पटकेंगे तो जंप नहीं करेगा। आप लोग देख सकते हैं हल्का फुल्का जंप कर रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इसको जंप कराने के लिए एक चीज़ इसमें लगाने वाले हैं, और फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी उसकी रहेगी जो हम लोग इस चीज़ में लगाएंगे, मतलब इस बॉल में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या चीज़ है। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है ये, और फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे क्या है। तो चलिए मैं इसे खोल देता हूँ फाइनली, और इसमें से जो सारा सामान है इसको निकाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये क्या है, रबड़ बैंड। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इसी रबड़ बैंड को हम लोग इस पेपर के ऊपर लपेटने वाले हैं, और देखने वाले फ्रेंड्स कि इस रबड़ बैंड, मतलब ये जो रबड़ बैंड है, इस पर लपेटने के बाद ये जो बॉल है, मतलब ये पेपर बॉल है, ये जंप करता है कि नहीं करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग जल्दी से लपेट लेते हैं और देखते हैं ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है किस तरीके का काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों बाद, कम से कम बहुत ही दिनों बाद मैं ये एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में मेरी एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो आती रहेगी। तो चलिए फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इस पर लपेटना शुरू करते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि मैं इस पर जब लपेट रहा हूँ तो काफ़ी ढीला ढाला सा आ रहा है। तो क्या करता हूँ, मैं एक और पेपर ले लेता हूँ और एक और पेपर इसमें ले कर लपेट देता हूँ पहले, फिर ये ज़्यादा थोड़ा ऊँचा सा हो जाएगा, मतलब बड़ा सा हो जाएगा, फिर ये रबड़ जो है काफ़ी इजीली इसमें फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक और पेपर ले लिया और इस पेपर को इस पे लपेट लेता हूँ फटाफट से अब। तरीके से इसे लपेट दिया है, अब ये रबड़ है इसके ऊपर हम लोग फटाफट से अब इसे सारे रबड़ को इस पे चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड, फाइनली मैं एक बार पहले से चढ़ा के देखता हूँ रबड़ को, तो ये निकल जा रहा है। तो आप अभी देख सकते हैं कि इस पे कुछ इस तरीके से अच्छे से आ जा रहा है। तो चलिए हम लोग फटाफट से जो सारे रबड़ हैं इसको इस पर फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हम लोग ये रबड़ लपेटते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फटाफट से हम लोग ये रबड़ को लपेट लेते हैं फ्रेंड्स, और फिर देखते हैं इसको हम लोग कि किस तरीके से जो बॉल है हमारा ये किस तरीके से बन के तैयार होता है और किस तरीके से काम करता है। तो चलिए मैं फटाफट से इस पर लपेट लेता हूँ। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फाइनली ये रबड़ है, सारे रबड़ को मैंने इस पेपर बॉल के ऊपर चिपका दिया। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जगह जगह पे थोड़ा बच गया है, क्योंकि जो रबड़ है ये मैं इसको लगा रहा हूँ तो फ्रेंड्स कभी कभी निकल जा रहा था बीच में। और आप लोग देख सकते हैं जो सारे रबड़ थे फ्रेंड्स, कम से कम लगभग 50 से ज़्यादा रबड़ होंगे। 50 से क्या फ्रेंड्स, आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, कम से कम 100 पीस तो होंगे। चल झूठा। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बताइएगा कि कितने पीस होंगे लगभग ये। तो आप लोग अभी यहाँ देख सकते हैं सारे रबड़ को मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा दिया है, और इसको हम लोग अब टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये जो जैसे पेपर उछल रहा था उसी तरीके से उछलेगा या उसके अलग तरीके से, जैसे कि जैसे बॉल उछलता है, वो जो आप जानते होंगे रबड़ की जो बॉल होती है उस तरीके से उछलता है, या अलग ही, मतलब एकदम सेम पेपर की तरह उछलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको उछाल के हम लोग देखते हैं और किस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो रबड़ है इसको मैंने
इतना मतलब इसे लगाने में इतना टाइम लगा है इसके ऊपर फ्रेंड्स, कम से कम 4-5 मिनट तो मुझे चढ़ाने में लग गया होगा इस जो रबड़ है सारे। वीडियो को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देते इसलिए आपको टाइम में कम लगा होगा देखने में, तो वैसे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको। तो चलिए अब देखते हैं कैसा रिजल्ट आने वाला है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, इतना तो कर ही सकते हैं अपने भाई के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसको टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ फ्रेंड्स। पहले मैं टेबल पे उछालता हूँ और देखता हूँ कि फ्रेंड्स ये टेबल पे कैसे उछलता है, और फिर हम लोग इसे बाद में ज़मीन पे उछालेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे पटकता हूँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कुछ अच्छे तरीके से काम कर रहा है ये, देखिए जैसे रबड़ की बॉल होती है फ्रेंड्स उसी तरीके से काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये देखिए काफ़ी मस्त उछल रहा है। इस तरीके से फ्रेंड्स पेपर नहीं उछल रहा था, आप लोगों ने देखा कि मैंने जब आपको पेपर उछल के दिखाया तो पेपर उस तरीके से नहीं उछल रहा जिस तरीके से ये उछल रहा है अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त उछल रहा है। चलिए मैं ज़मीन पे उछाल के देखता हूँ और ये किस तरीके से ये ज़मीन पे काम करता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं अब हम लोग इस ज़मीन के ऊपर मतलब फर्श के ऊपर इसको टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये फर्श के ऊपर किस तरीके से उछलता है। मैं इसको ज़मीन पर फेंकने वाला हूँ मतलब पटकने वाला हूँ और देखने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जो ये बॉल है ठीक ठाक काम कर रहा है अच्छी तरीके से, जो हम लोग जैसे इसे पटक रहे हैं तो काफ़ी अच्छा उछल रहा है, मतलब एकदम नॉर्मल उसकी तरह नहीं उछल रहा जैसे वो जो बॉल होती है रबड़ की, आप लोग देखे होंगे रबड़ की बॉल आप लोग खेले भी होंगे, उस तरीके से नहीं उछल रहा है ये, लेकिन ठीक ठाक फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काम कर रहा है ये। फ्रेंड्स इसका एक और टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, इसको मैं ऊपर की तरफ फेंकूँगा बॉल को और फिर हम लोग जब ये बॉल नीचे आएगी फिर देखेंगे कि कितना ऊँचा उछल रहा है। तो चलिए मैं इसे ऊपर छोड़ता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जब मैंने इसे उछाला और जब ये नीचे आया तो फ्रेंड्स इतना ऊंचा नहीं उछला जितना हम लोग पटक रहे हैं इसको फिर उछल रहा है, उतना ऊंचा नहीं उछला लेकिन लगभग ठीक ठाक उछला फ्रेंड्स। बॉल है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो बॉल है फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा वर्क तो नहीं कर रहा, मतलब जैसे गेंद वाला बॉल होता मतलब रबड़ वाला जो बॉल होता है उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, लेकिन ठीक ठाक ये वर्क कर रहा है। तो ये जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेंड्स कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक पेपर के ऊपर बॉल लपेटेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो काम करता है, जैसे फ्रेंड नॉर्मली बॉल करता है उस तरीके से काम करता है कि नहीं। तो मतलब ठीक ठाक फ्रेंड्स ये काम कर रहा था, अगर हमारे पास और ज़्यादा रबड़ होते तो हम लोग और इस पर लपेटते और फिर इसको देखते कि किस तरीके से ये उछल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम पे और ज़्यादा रबड़ होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता, आप लोग देख सकते हैं जगह जगह पे रबड़ नहीं है इसलिए ठीक ठाक काम नहीं कर रहा था और ये थोड़ा अच्छे तरीके से दब भी नहीं रहा है, और जो रबड़ वाली होती है थोड़ी दबती और दबने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मिलता है उसको फिर उछलता है वो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है मतलब जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस मतलब जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए, मैं आपको बोल दे रहा हूँ फ्रेंड्स इतना छोटा सा एक काम तो कर ही सकते हैं अपने भाई के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।